आपको दिया गया है दैट ट्रांसफार्मर के ऊपर बेस है ये. हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाई द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर. हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाई द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विच स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट. 220 वोल्ट को वो ओनली 20 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है ट्रांसफार्मर. उन्होंने पूछा क्या है, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर. मतलब आपको आई पी निकालने को उन्होंने कहा है. हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर विच स्टेप्स डाउन टू 20 वोल्ट इंटू 22 वोल्ट. इट मीन्स की ई प्राइमरी आपका 220 हुआ, ई सेकेंडरी आपका ओनली 20 वोल्ट है बेटा. आपको और क्या चीज दी हुई है, डिवाइस कौन सा दिया हुआ है, इट इज कन्वर्टिंग 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट टू ऑपरेट ए डिवाइस विद इंपीडेंस 220 ओम. बेटा आपको उन्होंने कहा है कि इंपीडेंस जो है जिस डिवाइस के साथ उन्होंने ये सेटअप अटैच कर रखा है उसका बेटे इंपीडेंस जो है दैट इज गिवन टू बी 220 ओम. मैं सारे का सारा बेटे प्रॉब्लम फिर से रिपीट करूंगा. हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विच स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट इंटू 22 वोल्ट कनेक्टेड टू ए डिवाइस which is having an impedance of 220 ohm beta. तो ये चीज आपको बेटे अवेलेबल करवाई गई है और इस डेटा की हेल्प के हिसाब से आपको ये सारे का सारा वर्कआउट करना है. तनवीर पुत्र कैसे करें, इम्पीडेंस आपके पास है, प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेजेस आपके पास हैं, तो what we can do बेटा. डियर चिल्ड्रन आपने कल किया था करंट आई जो है ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इंपीडेंस होता है ना बेटे. तो वोल्टेज को आपने ई से इंपीडेंस को जेड से ऑलरेडी डिनोट कर रखा है. अब क्योंकि वो सेकेंडरी की बात कर रहे हैं हमें सेकेंडरी का करंट मिल जाएगा ऐसे है ना पुत्र. तो ई एस कितना था आपका 22 वोल्ट था एंड जेड कितना है 220 ओम बेटा. तो आई एस कितना हुआ जी 1/10 एम्पियर हो गया. हाँ अच्छा 20 है ये सॉरी. तो फिर देखो ये एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं. 220 एंड 22 है बेटे, मैं ही गलत लिख गया था यहाँ पे. इट इज 22 है ठीक है. सो अगर ये 22 है तो इट मस्ट बी 1/10 एम्पियर देन. और 1/10 एम्पियर विल मीन जस्ट 0.1 एम्पियर बेटे. और अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, आपको चाहिए प्राइमरी का करंट कितना है बेटा. तो प्राइमरी के करंट के लिए बेटे आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लगा पाएंगे हम. ई एस अपॉन ई पी. हाँ 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 आई एस अपॉन आई डोंट थिंक सो. एक बार दोबारा सोचिए. वो निकल गया, वो तो हो गया. आपको आई एस चाहिए था ना. आपको प्राइमरी का इंपीडेंस तो दिया ही नहीं है, इंपीडेंस तो सेकेंडरी सर्किट का दे रखा है ना. तो बेटा आप सिंपल ऐसे कह लो कि इनपुट पावर इट इज इक्वल टू द आउटपुट पावर. ऐसे हो गया गुड़िया. ई एस अपॉन ई पी जरा देखिए, आई पी अपॉन आई एस. आपने ये उल्टा बोला था आई थिंक है ना. तो आपको आई
प्राइमरी चाहिए था, इट विल बी ई सेकेंडरी, ई प्राइमरी मल्टीप्लाइड बाई आई सेकेंडरी, राइट जी। एंड ई सेकेंडरी आपका कितना था 22, प्राइमरी कितना था 220, एंड आई एस कितना है 0.1। तो प्राइमरी का करंट जरा चेक कर लीजिए कितना होगा, फिर इट इज 0.01 एम्पियर्स, वेरी राइट। सो ये आपका कहीं पुराने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ था, एज सच मैंने उठा लिया था बेटा, ताकि बच्चों को थोड़ा हिंट मिल जाए करना क्या है। एक और सिमिलरी बेटे मैं बोल रहा हूँ, और आइए वो भी कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट टाइप का मैं करवाऊंगा आपको। सिमिलर टाइप का मैं बोल रहा हूँ बेटे, ये हो गया तो मैं रब कर दूं। ये सेकंड प्रॉब्लम है बच्चों हमारा, दैट आपको उन्होंने दिया हुआ है, लेट अस फोकस अपॉन सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड न्यूमेरिकल रादर। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू 240 वोल्ट एसी मेंस इज 24 वोल्ट। 240 वोल्ट मेंस एसी के साथ कनेक्ट करने के बाद आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट बन रहा है, तो ये स्टेप डाउन है कि आप पे? रिपीट करूंगा मैं, आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू 240 वोल्ट, ठीक है जी, मेंस इज 24 वोल्ट, आउटपुट 24 वोल्ट आ रही है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ये तो बात कंफर्म हो गई आपकी, इट इज स्टेप डाउन। इसका मतलब है ये ई प्राइमरी है, ये ई सेकेंडरी हो गया जी। आपको और क्या कहा गया है, When this transformer is used to light a bulb with rating 24 volt and 24 watt, एक बल्ब जलाया इसके साथ 24 volt and 24 watt उसका पुत्तर पावर है, ये आप बल्ब जलाना चाहते हो इस ट्रांसफार्मर से, कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी क्वाइल ऑफ द सर्किट, सर्किट की आपकी प्राइमरी क्वाइल का करंट आपको निकाल के बताना है, इंटरेस्टिंग। टाइप सेम है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। हाँ जी डियर चिल्ड्रन, आपको प्राइमरी का करंट जो है ये बताना है, लास्ट वाले में भी वही निकाला था हमने, हाँ तो सेम है, तो थोड़ा गाइड करिए क्या करूं मैं, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, आई एस कहां से निकालें, कैसे निकालें, हमें रेजिस्टेंस नहीं दिया वो बल्ब का, हमें बल्ब की ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड पावर रेटिंग दे रखी है और कुछ भी नहीं दिया हुआ, अगर रेजिस्टेंस दिया होता, इम्पीडेंस दिया होता तो हम आई निकाल लेते, तो अब तो आई तो हम ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, क्या करें। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आउटपुट पावर ई एस इंटू आई एस इट इज इक्वल टू इनपुट पावर ई पी इंटू आई पी, ये चीज को जरा ध्यान से देखेंगे आप, ये यही नहीं है, आपको आसान बना दिया उन्होंने रादर, ये पावर आउटपुट दे ही दी आपको, तो ये रादर इजी हो गया, दिस इज 24, ईपी आपका 240 था, आईपी आपको चाहिए, तो आईपी फिर आपका 24 अपॉन 240, इट विल बी 1/10 एम्पियर या 0.1 एम्पियर आई थिंक आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है जी। चलें आगे, मुश्किल तो नहीं लग रहा, मुश्किल है ही नहीं है वैसे, ये आसान सा है,
एक और करेंगे बेटा, इसी ट्रांसफार्मर पे बेस्ड है ये भी। आदित्य शर्मा, ध्रुव शर्मा, गुरजोत, गुंजोत, सिया, अभय, आर्यन, देन भव्या, भूमिका, क्षितिज, लक्ष्य, मानविया, रोहन, सुप्रिया। हाँ जी बेटे, डियर चिल्ड्रन, सबको क्लियर हो रहा है साथ साथ? कोई दिक्कत, कोई पॉइंट? ओके नाइस बेटे, थोड़ा इनको नोट करते जाना है आपको बेटा, ताकि इन द एंड अगर ऐसा आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट एज सच, राइट बेटे? स्टेटमेंट को समझना भी है ध्यान से कि कैसे ट्रांसफार्मर के बारे में वो बात कर रहे हैं और कैसा आपका सेटअप होना चाहिए बेटा। एक छोटा सा और है बेटा, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर थर्ड प्रॉब्लम है बेटा, उन्होंने दिया हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स ए वोल्टेज ऑफ 2200 वोल्ट, 2200 वोल्ट इनटू 220 वोल्ट, मतलब ये आपकी प्राइमरी वोल्टेज हो गई, ये आपकी सेकेंडरी वोल्टेज हो गई बेटा। ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स 2200 वोल्ट इनटू 220 वोल्ट इन द ट्रांसमिशन लाइन, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी क्वाइल इज 5000। प्राइमरी क्वाइल में 5000 टर्न्स आपको उन्होंने दे रखी है, एंड फर्दर मोर एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 90%। दिस इज द की पॉइंट, ईटा ट्रांसफार्मर का बेटे 90% आपको दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, एंड इट्स आउटपुट पावर इज 8 किलोवाट। पावर आउटपुट जो है 8 किलोवाट के बराबर आपको दे रखी है। व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी क्वाइल एंड इनपुट पावर। दो चीजें आपको निकालनी है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितनी होंगी, सेकेंडली आपका जो प्राइमरी का पावर है वो भी आपको निकालना है। तो ये दो चीजें आपको डियर चिल्ड्रन निकालनी है। मैं रिपीट कर दूं सारी स्टेटमेंट एक बार, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स 2200 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट बेटा इन ए ट्रांसमिशन लाइन, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी 5000, एंड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 90%, एंड इट्स आउटपुट पावर इज 8 किलोवाट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी क्वाइल, प्राइमरी नहीं बेटे सेकेंडरी, प्राइमरी का तो आपको दिया ही हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी क्वाइल एंड कैलकुलेट द इनपुट पावर आल्सो। तो ये चीज आपको जो है ये निकालनी है बेटा, NS एंड आपको आउटपुट पावर गिवन है, इनपुट पावर निकालना। हाँ जी, कैसे कैसे कैसे? एफिशिएंसी ईटा होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपको इनपुट पावर चाहिए है ना, और ये आपका आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय ईटा आ गया। देखो कितना आता है, फटाफट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। ईटा आपका 90%, मतलब 90/100 हो गया ना, है ना? और आउटपुट पावर आपको 8 किलोवाट के वाट बनाने पड़ेंगे आपके, 8 पॉइंट, इन्होंने 8.9 लिखा है आंसर। ओके, इनपुट पावर आपका फिर बन गया जी, आउटपुट पावर आपका 8 किलोवाट के हमने बना लिए वॉट्स बेटा। ईटा है आपका 90/100,
डियर चिल्ड्रन ये बन गया 8 के साथ 4 जीरोस डिवाइडेड बाय 9, ये कितना कह रहे थे आप? 8 8 8 8 कुछ ऐसे कह रहे हो, तो दिस इज 8.9 किलोवाट हो गया ना फिर आपका अपने आप ही इतना आ गया। तो सेकंड आपको पैरामीटर क्या निकालना था? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी के लिए क्या करें बच्चों? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। हाँ जी पुत्र, आपको याद होगा एक रिलेशनशिप हमने किया था, ई प्राइमरी और ई सेकेंडरी ऐसे रिलेटेड होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। चेक करिएगा ट्रांसफार्मर में कहीं आपने किया होगा ये। देखो पुत्र ये फॉर्मूला कहीं हमने डिराइव कर रखा है, चेक कर लीजिए। देखो भी कैलकुलेशन करके बेटे, ऐसे मत बैठो, निकाल दीजिए एनपी कितना आ रहा है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, आसान काम। 500 के करीब टर्न्स आपकी आ जाएंगी, वो पूरा ही 500 आ रहा है, दैट्स समथिंग वेरी नाइस बेटा। 500 टर्न्स आपकी प्राइमरी की लगी हुई है। हाँ जी, जैसे मर्जी निकाल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी की 500 आ रही है बेटा। राइट बेटे, चलें आगे। आइए आगे, एक बेटे छोटा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4, पॉइंट नंबर 4। आपको एक उन्होंने सर्किट दे रखा है कुछ इस तरीके का, लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट पार्ट फॉर यू बेटा। द डायग्राम शोज एन इंडक्टर एंड ए रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी थ्रू ए स्विच। एक उन्होंने आपको इंडक्टर ऐसे दे रखा है और इस इंडक्टर के साथ एक बल्ब अटैच किया हुआ है, एंड देन एक रेजिस्टर दे रखा है और रेजिस्टर के साथ एक बल्ब अटैच कर रखा है इन दिस वे। यहाँ पे ये वेरिएबल रेजिस्टर का साइन उन्होंने बनाया हुआ है, इंडक्टर को एल बोल दिया, इसको आर बोल दिया, एंड बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ इन दिस वे। और ये एक की लगाई हुई है उन्होंने, टैपिंग की कहते हैं इसको, ऐसे लगा दिया हुआ है। और आपसे पूछना क्या चाहते हैं वो बेटा, कहा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ, लेट मी रीड इट आउट अगेन बेटा। द डायग्राम शोज एन इंडक्टर एल एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी थ्रू ए स्विच। स्विच आप देख ही रहे हो ये लगा हुआ है। द रेजिस्टेंस ऑफ आर इज सेम एज दैट ऑफ द कॉइल दैट मेक्स एल। जितना इसका रेजिस्टेंस है इसका भी रेजिस्टेंस उतना ही है, कॉइल का भी। और आपको कहा गया है फर्दर, द टू आइडेंटिकल बल्ब आर पुट इन ईच आर्म ऑफ द सर्किट। ये जो दो बल्ब आप देख रहे हो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है बेटे इनकी पावर रेटिंग सेम है, रेजिस्टेंस सेम है इनका। दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म आइडेंटिकल। विच ऑफ द बल्ब्स विल लाइट अप अर्लियर व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड। आपने एस स्विच को क्लोज किया, कौन सा बल्ब पहले जल जाएगा? B1 और B2 मैं लिख देता हूं, विच वन ऑफ दीज टू विल ग्लो अर्लियर? डियर चिल्ड्रन कौन सा बल्ब पहले जलेगा, क्यों? रीजन, रीजन भी बताना पड़ेगा। वाई बी वन, वाई नॉट बी टू, या वाई बी टू, वाई नॉट बी वन?
हाँ जी पुत्र, रेजिस्टेंस तो उसने कहा कि इसका भी उतना ही है, वो तो उन्होंने स्टेटमेंट में क्लियर कर ही दिया ना कि जितना इस पार्ट में रेजिस्टेंस ऑफर करना है, ये नो डाउट इंडक्टर है, बट इसका रेजिस्टेंस तो कुछ होगा ना, वो इसके बराबर ही है। एरो का मतलब होता है वेरिएबल, इसको आप वेरी कर सकते हो। हाँ जी, नहीं रियोस्टेट बेटे ऐसे होता है, तो रियोस्टेट का सिंबल आपका ये होता है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये सिंपली वेरिएबल रेजिस्टेंस है। कई लोग इसको रियोस्टेट कह भी देते हैं, कोई बात भी नहीं है। तो बोलिए कौन सा बल्ब पहले जलेगा और क्यों, रीजन आपको बताना होगा कि दोनों ही नहीं जलेंगे या दोनों ही बराबर जलेंगे। दोनों बराबर ही जलेंगे, क्यों? नहीं, पुत्र आप लोगों को ना एक सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी बहुत पहले, कॉइल की, जरा याद करने की कोशिश करिए, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन होती है प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच दैट कॉइल अपोजिस द ग्रोथ एज वेल एज द डिके ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये ना तो करंट को एकदम से मैक्सिमम होने देगी, ना करंट को एकदम से जीरो होने देगी। इसका मतलब है बल्ब B1 पहले डिम जलेगा, फिर पूरा ग्लो करेगा। सो बल्ब B2 जो है इट विल बिटे लाइट अर्लियर, ये पहले जल जाएगा, B1 डिम नहीं होगा तब। सेकेंड उन्होंने बात कही है आपको, विच विल द बल्ब बी इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम, क्यों? यस, आफ्टर सम टाइम इसकी जो बैक ईएमएफ है, जब वो अपना रोल प्ले करना बंद कर देगी तो दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा, और जब करंट सेम होगा आपके दोनों बल्ब जो है बेटा दे विल ग्लो इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम बिटे। सो ये एक और छोटा सा पार्ट था आपको जो ऐसे पूछा जा सकता है बेटा, और आपने इसका ध्यान रखना है। एक और है बेटे, छोटी सी डिस्कशन करने वाला है। ए स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर, छोटा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5 कह लो, प्रॉब्लम नंबर 5 कह लो, जैसे मर्जी कह दीजिए आप। फिफ्थ पॉइंट है, ए स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल पीसीज ऑफ ए मैग्नेट इन 0.5 सेकेंड्स। मेटल की वायर का एक आपको दिया गया है पीस, उसको आप दो पोल पीसेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल कह दीजिए, ये मेटल के वायर को आप इतने टाइम में से इस मैग्नेटिक फील्ड में से ड्रैग कर देते हो, मैग्नेटिक फील्ड आपका लगा हुआ है ऑलरेडी। अब आपको वो क्या कहना चाहते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल पीसेस इज नोन टू बी 8 × 10⁻⁴ वेबर, 8 × 10⁻⁴ वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स इन दो पोल पीसेस के बीच में है। आपको कहा क्या गया है बेटा, एस्टीमेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर, तो ये जो वायर कंडक्टर आप मूव करवा रहे हो इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, दिस इज नीडेड बेटा। अंकिता, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हमने किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किया था, भूल जाते हैं आप लोग, -d∅/dt कहीं किया होगा आप लोगों ने, तो ये फाई आपका पहले जीरो था, अब इतना हो गया,
जब आप इसको वायर को ड्रैग करके आउट ले जाओगे तो फ्लक्स 0 ही हो जाएगा। तो फ्लक्स का चेंज गियर कितना आ गया, 8 × 10⁻⁴ के बराबर ही आ गया। और टाइम कितना निकला, 0.5 के बराबर। अगर आप मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं साइन छोड़ दीजिए। सो इट विल बी, इसको आप ऐसे कर लोगे है ना, इट विल बी -3 वोल्ट में आ जाएगा ना, ये चेक कर लीजिए सही है। और आप इसको 1.6 मिली वोल्ट भी लिख सकते हो, एक ही बात है, जैसे मर्जी आप लिख लीजिए। राइट जी बेटे, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं लग रही है? देन बेटा आइए, एक छोटा सा प्रॉब्लम और है हमारा। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा, आपके ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट पे बेस्ड है छोटी सी प्रॉब्लम। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस वन, न्यूमेरिकल नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। एन एयर पोर्ड सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 0.3 मीटर, एयर का कोर है जिसका, वो सोलिनॉइड की लेंथ 0.3 मीटर आपको दी हुई है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.2 × 10⁻³ मीटर स्क्वेयर दिया हुआ है आपको अगेन, एंड हैज 2500 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स इसकी 2500 है टोटल दी हुई है आपको। अराउंड इट्स सेंट्रल सेक्शन एक कॉइल ऑफ 350 टर्न्स इज बाउंड। एक और कॉइल जिसमें 350 टर्न्स हैं, इसके अंदर वाले क्रॉस सेक्शन पे उनकी बाइंडिंग कर दी गई है। एंड द सोलिनॉइड एंड द कॉइल आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, कुछ ऐसी चीज उन्होंने कही है। ये एयर कोर्ड सोलिनॉइड था आपका, इसके अंदर ये ऐसे है, ठीक है जी, ये आपस में इन कॉन्टेक्ट नहीं है, एक दूसरे से उन्होंने अलग रखे हुए हैं। अगर ये बड़े क्रॉस सेक्शन का है तो इसके अंदर छोटे क्रॉस सेक्शन का कॉइल विद दिस मच नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया गया है। एंड व्हाट इज एग्जैक्टली नीडेड इज दैट बेटा, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द इनिशियल करंट ऑफ 3 एम्पियर इन द सोलिनॉइड इज रिवर्स इन 0.25 सेकेंड्स। इनिशियल करंट आपको दे रखा है 3 एम्पियर्स, इनिशियल करंट 3 एम्पियर का पॉइंट इज गिवन टू बी 2.5 सेकेंड्स। बेटा इतने टाइम में इनिशियल करंट को रिवर्स कर दिया गया है, मतलब पहले करंट इधर था, फिर 0.5 सेकेंड्स के बाद उल्टा कर दिया गया है। आपको कहा है कि इंड्यूस ईएमएफ निकाल दीजिए, क्या करें? आपका इंड्यूस ईएमएफ ई एम इंटू DI/DT होता है, लेकिन एम तो हमारे पास है नहीं। एम इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, म्यू नॉट आगे, बहुत बढ़िया, N1 N2 L/L, नहीं A/L, कुछ ऐसा था है ना बेटा। अब निकाल दीजिए, फटाफट निकाल दीजिए देन इसको बेटा। दोनों रिलेशनशिप्स आपको याद हैं, कोई लेंथी काम है नहीं, टाइम आपके पास है दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों ही हैं, और आपको EMF इंड्यूस्ड की वैल्यू निकालनी है। पहले एम निकालो कितना आता है, पहले एम ही निकलेगा ना बेटा। म्यू नॉट आप जानते हैं ना, 4π × 10⁻⁷ होता है। N1 आपका 2500, N2 आपका 350, एरिया और लेंथ आपको दिया हुआ है, बस कैलकुलेशन ही करनी है, देखो करके फटाफट बेटा।
चेक इट आउट व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी, एम निकाल लीजिए पहले, देन इट विल बी इजी टू कैलकुलेट ई एम एफ. देन एम how much बेटा मेरे पास ये 4.4 मिली हेनरी आ रहा है, चेक करिए आप. 4.4 मिली हेनरी का मतलब होता है 4.4 10 रेस पर -3 हेनरी, चेक करिएगा जरा इतना आ रहा है आपका. देन ईएमएफ निकालना फिर आपके लिए इजी हो जाएगा. अच्छा बच्चों डीआई कितना होगा आपका अंकिता? डी आई आपने ये फॉर्मूला लिखा है ना, चलो टाइम तो आपको दे दिया उन्होंने, व्हाट अबाउट डी आई? एम भी निकाल लिया आपने, अच्छी बात है. डी आई कैसे निकालें? एक लाइन उन्होंने बताई थी आपको दैट कैलकुलेट द ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द इनिशियल करंट ऑफ 3 एम्पियर इन द सोलिनॉइड इज रिवर्स इन 0.25 सेकेंड्स. इसका मतलब ये हुआ ये ही आपका इनिशियल करंट है, फाइनल करंट इससे उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा, होगा इतना ही. तो डी आई फिर कितना हुआ? 3 -3 हो गया, 6 हो जाएगा ना ये, ठीक है. हाँ ये तो हो जाएगा बेटा, मैं आंसर लिख देता हूं, 0.1056 वोल्ट आ रहा है आपका ई एम एफ, 1056 वोल्ट, चेक कर लीजिएगा बेटे. सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माई साइड डियर चिल्ड्रन, थैंक यू ऑल.